अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्या हाल चाल है? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको स्पाइडर फॉरएवर 5 एक्स्ट्रा आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। और ये क्या चीज़ है, किस तरह का मॉडल है, तमाम का डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल कमोडिटी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो करें। और अगर आपके पास नए पुराने रिसीवर हैं तो वो भी आप मेरे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ये स्पाइडर फॉरएवर 5 एक्स्ट्रा सेटेलाइट रिसीवर है, HEVC है, 265 सपोर्टेड है, फुल HD 1080p है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ और इसके रिव्यूज़ वगैरह की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये DVB-S2 GM स्क्रीन भी है, और भी काफ़ी फीचर्स हैं, डायसिक ऑप्शन है, ब्लाइंड स्क्रीन, ये तमाम तरह फीचर्स हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसकी कम्प्लीट अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता हूँ। बिल्ट इन वाईफाई है, एक रिमोट है इसके साथ, और ये सिंगल डिस्प्ले है, ये इसका IR सेंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं HEVC है, 265 सपोर्टेड, फुल HD, और ये चीज़ है। ये अब डबल पैक नहीं आ रहा, आ रहा है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये एक यूज्ड एक चला हुआ बॉक्स है, मैं आपको इस चले हुए बॉक्स का रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, किसी दोस्त को चाहिए तो ये 3500 रुपये का है, ठीक है, फॉर एवर इसका एक्सपायर है। और ये तमाम अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता हूँ, और LED स्क्रीन पे इसके मेन्यू के ग्राफिक्स, इसके तमाम तो फीचर्स, वो तमाम तो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें डायसिक 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 अवेलेबल है, और सेंसिटिव ट्यूनर है, काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो सिग्नल्स वगैरह की क्वालिटी है, और ये फुल HD 1080p 60Hz तक है, और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं। 7 डेज का जो है इसमें EPG भी है, और आप इसको अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, और USB 2.0 इंटरफेस है, अपग्रेड थ्रू USB भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको LED स्क्रीन पे रिव्यू करके दिखा, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्पाइडर फॉरएवर 5 एक्स्ट्रा है, ये चीज़ है, ये आप चेक करें, और ये इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं, यहाँ पर आप देखें तो HEVC 265 सपोर्टेड ये भी मेंशन है, और फुल HD भी। चलें अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी पैकिंग है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये अंदर रिसीवर है, तो मैं आपको रिसीवर के जो है दिखा देता हूँ, ये आप चेक करें, इस डिज़ाइन में है ये देख सकते हैं, और यहाँ पे USB पोर्ट भी है, और AV HDMI तमाम तर जो है इसमें ये ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज़ है। वारंटी सील भी यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग को भी हम साइड पर कर लेते हैं। ये इसके साथ रिमोट कंट्रोल है, जो भी यूज़र स्पाइडर यूज़ करते हैं, 2-3 मॉडल हैं, अगर उनको इनके रिमोट नहीं मिलते तो वो स्टार सेट जो है ना, वो स्टार सेट का इस तरह का रिमोट लेके यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ अडाप्टर है, ये भी इसका ओरिजिनल अडाप्टर है, ये आप चेक कर सकते हैं, 1 एम्पेयर का है, ये चीज़ है, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और ये IR सेंसर है, ये इसके साथ HDMI केबल है, और ये जो है इसकी यूज़र मैनुअल है, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है। उम्मीद है मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल कमोडिटी इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, ये चीज़ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्पाइडर फॉरएवर 5 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 12 वोल्ट IR सेंसर, RS-232 केबल भी लगा सकते हैं, सिंगल USB की पोर्ट है, ट्यूनर का ऑप्शन है, HDMI ऑडियो वीडियो, ये चीज़ है, ठीक है। ये बॉक्स खुला हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी सील मौजूद है। तो चलें अभी मैं आपको LED स्क्रीन पर इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। रिसीवर मैंने ऑन कर लिया है, आपके सामने है, ये इसके मेन्यू के ग्राफिक्स वगैरह हैं, ये चीज़ है। और अभी जो है ना, ये नीचे आप देख सकते हैं, तो ये ऑप्शंस है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, सेटिंग में अबाउट STB ये हम चेक कर लेते हैं, फॉरएवर 5 एक्स्ट्रा है, और इसमें जो सीरियल यूज़ है 21, यानी कि ये 2021 मॉडल आप कह सकते हैं, लेटेस्ट नहीं है। और ये तमाम तर इसकी मेमोरी है, वर्जन तमाम तर फीचर्स यहाँ पर मैंशन है, और ये इसमें CHMX ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये ऑन है, ऑफ भी कर सकते हैं इसको, और OSD सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, ये सिस्टम सेटिंग्स है, और ये तमाम तो फीचर्स इसमें मौजूद हैं, IPTV वगैरह वगैरह ये फीचर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका जो है इंस्टॉलेशन ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये इसका मेन इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, ये पैच मेन्यू है, और यहाँ पर एंटीना सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 45 सेटेलाइट्स इसमें ऑलरेडी एड हैं, कोई सेटेलाइट आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और ये तमाम तरह फीचर्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायसिक का, LMBN आउट का, ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं, ब्लाइंड सर्च का भी ऑप्शन है। इसके अलावा ये इसमें फैक्ट्री डिफॉल्ट का भी ऑप्शन है, और भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, वाईफाई आपको चेक करा देता हूँ, ये इसमें वाईफाई बिल्ट इन है, ये तमाम तरह यूज़र अभी जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं।
तो बहरहाल इसके मुतालिक जो छोटा सा रिव्यू था आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल कमोडिशन कमीशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें इसकी 8000 मेमोरी है, 4000 सेटेलाइट, सॉरी 4000 फ्रीक्वेंसी और 100 सेटेलाइट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और USB चार्ज, SDS डोंगल, ये तमाम तरह इसमें ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बॉक्स के मुतालिक आपको छोटा सा रिव्यू करके दिखा दिया है और उम्मीद है मेरी ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।